मंत्री ब्रिजेश पाठक के काफिला शुक्रवार का हादसे का शिकार हो गया। इस दौरान काफिले में शामिल एम्बुलेंस साथ में चल रही पुलिस एस्कॉर्ट की गाड़ी से जा टकराई। सीतापुर लखीमपुर के नानकारी के पास हुए इस हादसे में 4 पुलिसकर्मी और 2 एम्बुलेंस कर्मचारी घायल हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पुलिस की जीप सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी। घटना सीतापुर खीरी मार्ग के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का है। ASP उत्तरी सीतापुर राजवीर दीक्षित ने हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक लखनऊ से सड़क मार्ग से खीरी जा रहे थे। सीतापुर के पास उप मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल वाहन की गति के नियंत्रण खो जाने के कारण काफिले के एम्बुलेंस और पुलिस के सुरक्षा गाड़ी के बीच में टक्कर हो गई। डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ खीरी में BJP प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना पर महोली विधायक शशांक त्रिवेदी और CMO डॉक्टर मधु गैरोला भी जिला अस्पताल पहुंची हैं। हादसे में घायल SI प्रमोद मिश्रा ने बताया कि एम्बुलेंस की टक्कर इतनी जोरदार थी कि एस्कॉर्ट में शामिल वाहन सड़क के दूसरे किनारे पहुंच गया। हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। विधायक त्रिवेदी ने बताया कि सड़क पर साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। विधायक की गाड़ी भी हादसे का शिकार हुई है। फिलहाल सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर है। दुर्घटना के बाद डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक का काफिला लखीमपुर खीरी पहुंचा। इस संबंध में डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने ट्वीट करते हुए लिखा, जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित आध्यात्मिक धार्मिक संस्कृति के अत्यंत प्राचीन तीर्थ स्थल गोला गोकर्णनाथ, जिसे छोटी काशी भी कहा जाता है, आज ऐसे पावन दिव्य तीर्थ स्थल पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि व प्रसन्नता के लिए मंगल कामनाएं की। इसके बाद डिप्टी CM ने लखीमपुर खीरी के विधानसभा गोला गोकर्णनाथ से भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में आयोजित आशीर्वाद जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने BJP प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की।